तो ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स बोलते हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं करना। क्या स्टडी करना है? लाइट को स्टडी करना है। लाइट को स्टडी करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है आपको इस बात से अंदाजा हो जाएगा जो मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। 1650 और 50 प्लस या 1700 के बीच में न्यूटन का दौर था। न्यूटन ने स्टार्ट किया लाइट की स्टडी। उसने ये माना कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स की बनी हुई है। छोटे 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 पार्टिकल्स हैं जो कि मासलेस हैं, बॉल्स की तरह छोटे छोटे, बहुत हल्के हैं। ऐसा उसे क्यों लगा? क्योंकि बॉल जब आती है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्ट होके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे चली जाती है, बॉल की स्पीड जब मीडियम चेंज होता है एयर से वाटर, तो स्पीड भी चेंज हो जाती है और स्लो डाउन हो जाती है। तो ऑब्वियसली इससे ही पता लग रहा था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, रादर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन उसने एक्सप्लेन किया इस थ्योरी को लेके। राइट, क्लियर हो गया। तो 1800 ईयर तक, 1800 सन 1800 और 1832 के आसपास तक किसी को नहीं पता लगा कि एक्चुअल में लाइट थी क्या। और लोग यही मानते गए कि लाइट जो है पार्टिकल से ही बनी हुई है और लाइट जो साइंटिस्ट लोग हैं इस थ्योरी पे ही काम करते गए। 1830 और 50 के बीच में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हाइगन्स। तो हाइगन्स प्रिंसिपल करके प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे। इस बंदे ने कहा कि जो लाइट है ये बेसिकली इसके कुछ प्रिंसिपल थे और इस प्रिंसिपल के अंदर उसने ये बताया कि लाइट की वेव नेचर है। लाइट वेव की तरह ट्रैवल करती है, क्रेस्ट एंड ट्रफ। जैसे पानी स्टेशनरी है और आप एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो रिपल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ऐसे कहीं ना कहीं नेचर के अंदर भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है और वेव कैसे है ट्रैवल कर रही है। ठीक है, यहाँ तक उसके कुछ प्रिंसिपल थे, उसने कुछ ज्योमेट्री यूज़ की और उसने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कुछ वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट लेके आया। वो तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को उसने जो है एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरी के साथ। उसकी अपनी थ्योरी थी, मतलब उसने ये तो नहीं कहा कि वेव नेचर है, पर उसने ये कहा कि कुछ वेव फ्रंट की फॉर्म में, वेव फ्रंट कुछ नहीं होता, वेव फ्रंट एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पर बहुत सारी डिस्टर्बेंसेज इकट्ठी ट्रेवल करती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। उसने कहा वेव फ्रंट की फॉर्म में, वेव फ्रंट के तौर पर लाइट ट्रेवल करती है, उसका ये मानना था। तो वेव फ्रंट से वेव की थ्योरी आई। तो जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सही इस चीज़ को पकड़ा उसका नाम था यंग्स। उस बंदे ने क्या किया, लैब के अंदर लेज़र लाइट के साथ दो होल्स किए, दो स्लिट्स ली और ये स्क्रीन ली, लाइट को इस होल से निकाला और ये आपस में इंटरफेयर कर गई, इंटरफेयर दो लाइट्स को मिलाया और स्क्रीन के ऊपर उसने देखा कहीं पर ब्राइटनेस का पॉइंट है, कहीं पर डार्कनेस आ गई, कहीं पर ब्राइटनेस, कहीं पर डार्कनेस, ये अजीब सा फिनोमिना है। जबकि दो दो लाइट्स हैं, दो दो लाइट्स स्क्रीन के ऊपर गिरेंगे तो लाइट ही लाइट होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ। कहीं पर नॉर्मल से ज़्यादा लाइट गिर गई, कहीं पर बिल्कुल भी लाइट नहीं गिरी, डार्कनेस। जबकि ऐसा कैसे हो सकता है, दो लाइट्स इकट्ठी गिरेंगी तो डार्कनेस कैसे हो गई, फिर ब्राइटनेस हो गई नॉर्मल से ज़्यादा, फिर डार्कनेस हो गई, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस। अब उसने एक्सप्लेन किया क्योंकि लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। जहाँ डार्कनेस आई है वहाँ लाइट का एक क्रेस्ट दूसरी लाइट के ट्रफ पे गिर गया और दोनों ने एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया, कैंसल, जैसे साउंड वेव में करते थे कैंसल, तो वहाँ पर लाइट ही नहीं गिरी। और कहीं पर क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिर गया तो नॉर्मल से ज़्यादा लाइट गिर गई। इस प्रोसेस को बोला जाता है इंटरफेरेंस। और इसने ये भी बता दिया कि सेंटर ऑफ स्क्रीन से उससे पूछो कि 15 mm के ऊपर वहाँ डार्कनेस होगा कि ब्राइटनेस होगा, वो बिना एक्सपेरिमेंट करके सेटअप के ऊपर बता देगा कि अपनी, अगर आप सेटअप बताओगे कि दोनों स्लिट्स में कितना डिस्टेंस है, स्क्रीन कितनी दूरी पे है, वेवलेंथ क्या है लाइट की, इन सारी वैल्यू से वो बता सकता है कि 7 mm के ऊपर ब्राइटनेस होगी कि डार्कनेस होगी। इसका मतलब लोगों को मानना पड़ा कि लाइट जो है उसकी वेव नेचर है। तो पॉइंट समझ में आया। तो पहली बार बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट था जिसने प्रूव कर दिया कि लाइट सच में वेव नेचर है और सच में इंटरफेयर करती है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करती है।
और सुपर पोजिशन तो साउंड वेव भी किया करती थी, याद करो स्ट्रिंग वाली साउंड मीन वो स्ट्रिंग प्लस वन के अंदर हम करते थे, ट्रांसवर्स वेव करती हैं, और लाइट ने भी ऐसा शो किया। तो मानना पड़ा सबको कि लाइट की क्या नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर है, वेव नेचर है। फिर वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत हुई। तो वेव ऑप्टिक्स में पहला चैप्टर जो आपका बनेगा वो क्या है, इंटरफेरेंस, जिसमें हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे, ठीक, और देखेंगे कि लाइट की सच में वेव नेचर है। फिर उसके बाद ये पता लगा कि जब वेव ट्रैवल करती है, लाइट एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो वो किसी भी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से बेंड हो जाती है, सीधी जा रही थी बेंड होकर चली जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट अक्रॉस द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल, डिफ्रैक्शन। ये रे नहीं कर सकती, रे तो सीधी जाती है ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वेव थोड़ी टेढ़ी हो सकती है और फैल सकती है। तो दूसरा चैप्टर का नाम क्या, डिफ्रैक्शन, हम देखेंगे लाइट की बेंडिंग कैसे होती है। फिर तीसरा एक और चैप्टर है जिसको पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन का मतलब है जैसे आप रेबैन की गॉगल लगाते हो, महंगी गॉगल लगाते हो, क्यों, पोलराइड लगे होते हैं उसमें। जो नॉर्मल सन की लाइट है वो हर तरफ वाइब्रेट करती है, मतलब उसकी जो वेव है वाइब्रेट करना, मतलब वो वेव एक्चुअल में ऐसी होती है, मतलब एक रस्सी को मैं ऐसे खींचूं, ऐसे ऐसे और ऐसे, सोचो मल्टीपल वेव इकट्ठी चल रही हैं कुछ ऐसे, तो मैं अपने हाथ को ऐसे हिलाऊं, ऐसे हिलाऊं, ऐसे हिलाऊं, तो ऐसे सन की लाइट ऐसी होती है, तो ऐसे इतनी ऐसी वेव नहीं आ रही, ऐसी नहीं आ रही, तो एक्चुअल में ऐसी वेव्स आ रही हैं। ये वेव्स अगर आप धूप में देखोगे आपकी आंखों पे जो है जोर डलेगा और लाइट चुभेगी। आप जब रेबैन की गॉगल डाल लेते हो तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है, फिल्टर कर देती है लाइट की वाइब्रेशन को, एक एक्सिस पर रख देती है बस। तो आप धूप में भी जाते हो आपको धूप चुभती नहीं है, तो आपको नॉर्मल लगता है। तो ये पोलराइजेशन है, फिल्टर करना, और ये वेव के अंदर ही हो सकता है। रे कैसे करेगी, वेव अगर ऐसी है या ऐसी है, तो उसको एक जाली लगा के फिल्टर कर दिया, कि मतलब जाली लगाना सिर्फ इसी एक्सिस में से वेव ट्रेवल करेगी, ऐसी वाली वेव अपना फिल्टर हो जाएगी। रेबैन की गॉगल में ऐसे इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। तो ये भी फिनोमिना वेव का ही फिनोमिना है। तो तीसरा चैप्टर का नाम क्या है, पोलराइजेशन। अब ये तीनों जो फिनोमिनाज हैं ये वेव नेचर ही एक्सप्लेन कर सकती है, ये रे नेचर एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। तो वेव का पता तो बहुत लेट पता चला था, पर रे का लोगों को पता था कि रेज की फॉर्म में लाइट आती है, क्योंकि रेज तो नॉर्मली सन से दिखती भी हैं रेज आती हुई। तो लोगों ने काम रेज पे तो किया ही हुआ था, और बहुत पहले लेंस, मिरर, रिफ्रैक्शंस, इसके ऊपर काम किया हुआ था। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन का मतलब कि एक वाइट लाइट का सात रंगों में टूटना, रेनबोज का बनना, प्रिज्म में से सात रंग निकलने, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये सारे फिनोमिनास, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, सात रंग में लाइट टूट गई, वेव नेचर ये कभी एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएगी। ये कौन एक्सप्लेन करेगा, रे नेचर एक्सप्लेन करता है। और लेंस है, लेंस में कौन सी वेव यूज की, आप 9th-10th में लेंस पढ़ के आए हैं, आपको सिखाया कभी कि वेव आ रही है और देखो ये कन्वर्ज हो गई, कब किया आपने, क्या कहा, रे आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ फिनोमिनास तो ऐसे हैं जो कि लाइट वही है, लाइट तो डिफरेंट है ही नहीं, तो कुछ फिनोमिनास ऐसे हैं जो कि एक्सप्लेन किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, और कुछ फिनोमिनास ऐसे हैं जो कि एक्सप्लेन किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रे थ्योरी। तो ऑप्टिक्स के कितने पार्ट हो गए, दो, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट यहां तक। अब दूसरा पॉइंट, 1800 समथिंग की बात बता रहा हूं, वेव नेचर पता लगा, और उसी दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी एक्सपेरिमेंट हुआ था, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। उसने भी कहा था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो देखो दुनिया को पता लग रहा था 1800 से 1900 के बीच में कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना सेम आंसर दे रहे थे, ठीक हो गया यहां तक। फिर कहानी यहां तक खत्म नहीं हुई। 1906 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला, किस चीज का, लाइट का थर्ड फ्रंट ढूंढा उसने। उसने कहा कुछ फिनोमिनास ऐसे हैं ना वेव एक्सप्लेन कर सकता है ना रे एक्सप्लेन कर सकता है, लाइट तो फोटोन्स की बनी हुई है, एनर्जी के पैकेट्स हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसने निकाला कि फोटो सेंसिटिव प्लेट पे अगर लाइट गिरेगी, फोटोन्स यानी कि एनर्जी के पैकेट गिरेंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकल के सरफेस से बाहर आ जाएंगे। तो कोई ना एक्सप्लेन कर पाया ना वेव ना रे। तो ये तीसरा फ्रंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लाइट का तीसरा फ्रंट हम बाद में स्टडी करेंगे।
तो पॉइंट समझ में आया, तो कब से चले थे 1650 से लेके 1906 तक ये कहानी चली, तो इतने साल में लोगों को ये पता लगा कि लाइट की ये नेचर्स हैं। तो अपने को एक डेढ़ महीना तो चलता ही है, एक डेढ़ महीना तो लगेगा सब स्टडी करें इन्होंने किया क्या, और चैप्टर भी काफ़ी हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक चैप्टर है और ये 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर हो गए, तो अगर दो दो लेक्चर भी एक चैप्टर में लगा लेंगे, कम से कम दो में तो होता ही नहीं, तो अभी 14 लेक्चर एक महीना तो टप ही गया। तो डेढ़ महीना आप लगा के चलो, ऑप्टिक्स में टोटल लगना ही लगना है, 15 दिन का वेव ऑप्टिक्स है और एक महीने का कम से कम रे ऑप्टिक्स है। ठीक है, यहाँ तक तो हम स्टार्ट करते हैं फिर ऑप्टिक्स से। और कई लोग रे से स्टार्ट करते हैं, कई लोग वेव से स्टार्ट करते हैं, टीचर की अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी स्टार्ट करे। रे थोड़ा जल्दी निकलता है और इजी भी है, लेंस मिरर लोगों ने कर रखे हैं, फटाफट निकलता है। वेव नया कॉन्सेप्ट है और वेव जो है मुझे ऐसा लगता है वेव ज़्यादा स्कोरिंग भी है और वेव छोटा भी है, और वेव का जो एनसीईआरटी लेवल है वो भी आसान है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं इसके, और कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आने ही आने हैं वेव का। प्रॉबिलिटी ठीक होने की ज़्यादा मुझे वेव की लगती है, रे की भी है, ऐसा नहीं है, रे अपनी तरीके से है। मैं वेव से स्टार्ट करूँगा, तो मैं वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वेव ऑप्टिक्स की इंट्रोडक्शन से करते हैं स्टार्ट। ठीक,